सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुर्बान अली खान और केके टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप घर बैठे कैसे अपना ईपीएफ यानी के पीएफ बैलेंस चेक कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप घर बैठे अपना पीएफ बैलेंस कैसे चेक कर पाएंगे, तो आइए इस वीडियो में वो सब कुछ जान लेते हैं। दोस्तों अगर आप एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो अब तो आपको पता होगा कंपनी आपका पीएफ बैलेंस काटता है, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है आपका पीएफ जो कंपनी काट रहा है वो आपके अकाउंट में डाल रहा है या नहीं? अगर डाला है तो फिलहाल अभी आपका पीएफ बैलेंस कितना हुआ है वो सब कुछ आपको नहीं पता है। अगर आप वो सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको ऐसे 3 ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक की मदद से आप बड़े आसानी के साथ वो सब कुछ चेक कर पाएंगे। और दोस्तों लास्ट वाला ट्रिक सबसे आसान है, तो प्लीज लास्ट तक देखते रहिएगा। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि आप लोगों के लाइक की वजह से मुझे इस तरह की वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज लाइक कर दे, इस वीडियो पे 50 लाइक का टारगेट रखता हूँ, तो प्लीज पूरा कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दे और उसके बगल में दिए गए इस बेल आइकन को दबा दे, ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिलती रहे। और ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रोम पे क्लिक करेंगे। क्रोम पे क्लिक करना है तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे ईपीएफओ पासबुक और फिर उसे सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह पेज खुला, तब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए सबसे ऊपर वाला जो लिंक है लिखा हुआ है मेंबर पासबुक, अब हम उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह पेज खुलेगा, तब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए लिखा हुआ यूजर नेम, उसके बाद यहाँ देखिए लिखा हुआ UAN। जी हाँ दोस्तों, जब आप कोई भी कंपनी में काम करते हैं तो वो आपको एक UAN नंबर देता है, यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, वो नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए। पासवर्ड डालने का तब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए कैप्चा लिखा हुआ है, ये जो ऊपर वाला यहाँ एक लेटर लिखा हुआ है इसको आपको यहाँ पे इस कैप्चा में डाल देना है। डाल देना है तब हम क्या करेंगे, यहाँ सिंपली लॉग इन पे क्लिक करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप क्लिक करेंगे ये पेज ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद फिर से एक बार वो ओपन होने को बोलेगा, आप ओपन कर दीजिएगा। ओपन करने के बाद आपके सामने आपका पूरा डिटेल आ जाएगा, कितना अमाउंट आया है, कितना हुआ है, सब कुछ आप यहां से चेक कर पाएंगे। क्योंकि मैं कोई एम्प्लॉय नहीं हूं, इसलिए मेरा पीएफ नंबर या फिर यूएएन नंबर नहीं है, ना तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया होता, लेकिन मैं जैसे ही बताया आप उस तरह कीजिए। आपका 100% गारंटी के साथ बोलता हूं ये काम करेगा और आप बड़े आसानी के साथ चेक कर पाएंगे। तो आइए अब हम बात करेंगे दूसरे ट्रिक के बारे में, तो चलिए बैक जाते हैं। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, मैसेज पे क्लिक करेंगे। मैसेज पे क्लिक करने का तब हम क्या करेंगे, यहाँ मैसेज करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, मैसेज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले वो नंबर डाल देते हैं। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे मैसेज टाइप कर देंगे, सब्जेक्ट ईपीएफओ एचओ यूएएन टाइप कर देना। तब हम क्या है, सिंपली अपना कोई भी सिम से जिस सिम का नंबर आपने वहाँ पे रजिस्टर किया है वो सिम से आप इस मैसेज को फॉरवर्ड कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप फॉरवर्ड कर देंगे तो आपके पास 2 सेकंड या 5 सेकंड के अंदर एक मैसेज का रिप्लाई आएगा। जैसे ही आएगा आप उस मैसेज को ओपन करके आप अपना बैलेंस को चेक कर सकते हैं, कितना पीएफ है और कितना कटा है, क्या है, सब कुछ यहाँ डिटेल्स दे देगा कंपनी आपको। तो चलिए मैं आपको सबसे सिंपल तरीका जो मैंने बोला था लास्ट में बताऊंगा वो वाला बताता हूँ, तो चलिए बैक जाते हैं। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अपने डायलर पैड पे क्लिक करेंगे। डायलर पैड पे क्लिक करना है तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नंबर टाइप करेंगे +91 और फिर 11 22 90 1406 और फिर इस पे मिस कॉल दे देंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप मिस कॉल देंगे वो तुरंत आपके पास एक ओटीपी भेजेगा, उस ओटीपी को आप ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे उस पे आपका सारा कुछ डिटेल दिया होगा। जी हाँ दोस्तों, उस पे आपका बैलेंस कितना है और कितना कटा है, क्या हुआ है, अभी फिलहाल कितना बैलेंस है, वो सब कुछ आप यहाँ से देख पाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर किसी को मालूम, हर कोई अपना बैलेंस चेक कर सके।